क्या एल्विश यादव जाने वाले हैं जेल और उनके खिलाफ FIR क्यों दर्ज की गई? और अगर एल्विश यादव पर लगाए गए आरोप अगर सही होते हैं तो उनको कम से कम 7 साल की जेल हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उनके फैंस क्या करेंगे? एल्विश बा तो भैया मामला क्या है? तो यूपी पुलिस ने 6 लोगों के नाम FIR किया है, जिसमें से एक नाम एल्विश यादव का भी है। उनका असली नाम है सिद्धार्थ यादव। 6 लोगों में से 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, मगर अभी तक सिद्धार्थ यादव यानी एल्विश यादव को अरेस्ट नहीं किया गया। एल्विश यादव के दोस्तों के पास से 20 ml वेनम मिला है, यानी सांप का जहर मिला है जिससे नशा किया जाता है। इसके अलावा 9 सांप भी हैं, जिसमें से 5 कोबरा है, 1 अजगर है और 2 2-हेडेड स्नेक है और 1 रैट स्नेक है। और इस तरह के सांपों को अपने पास रखना अपराध है, उनसे जहर निकालना अपराध है और इन सांपों का किसी चीज में इस्तेमाल करना भी अपराध है। मतलब आप इन सांपों के साथ ना वीडियो बना सकते हैं और ना ही फोटो खींच सकते हैं जो आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है। यानी इससे ये साबित होता है कि एल्विश यादव को तो जेल जाना पड़ेगा, वो भी कम से कम 7 सालों के लिए, मगर क्या वो जाएंगे? ये बात पूरे तरीके से पुलिस और इससे भी ज्यादा पॉलिटिशियन पे डिपेंड करती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एल्विश यादव इन जहरों से नशा करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं, यानी बेचते भी हैं। दरअसल ये मामला सामने तब आया जब एक NGO एक्टिव हुई और वो NGO BJP की एक सांसद मेनका गांधी चलाती है। साथ ही साथ ये भी दावा किया गया है कि एल्विश यादव रेप पार्टी करवाते हैं। ऐसी पार्टियों में विदेशी लड़कियां और नशे के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ स्नेक बाइट लिया जाता है, यानी सांपों से कटवा के नशा करना, और ये नशा मिनिमम 7 दिन तक रह सकता है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी के NGO टीम ने एल्विश यादव के लिए एक जाल फैलाया था और उस जाल में वो फंस गए। उनको डायरेक्ट कॉल किया गया और बोला गया कि सांप का जहर चाहिए और एल्विश ने अपने दोस्तों को भेज दिया और यही था ट्रैप और पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया। एल्विश के दोस्तों को जब पकड़ा गया, बातचीत की गई तो उन्होंने एल्विश का नाम भी सामने लिया। अभी तक जो भी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये साबित हो जाता है कि एल्विश यादव अपराधी है। FIR के 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जाता है, मगर 24 घंटा बीत चुका है, अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। इस बीच एल्विश यादव ने खुद सोशल मीडिया पे आके सफाई दी और कहा है कि वो यूपी पुलिस के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। एक तरफ तो सहयोगिता की बात कहते हैं, मगर अभी तक उन्होंने सरेंडर ही नहीं किया है। एक और खबर ये आई है कि उनकी कुल संपत्ति का हिसाब लगाया गया और मिला है 40 करोड़ से भी ज्यादा। इतनी ज्यादा संपत्ति किसी यूट्यूबर के पास होना असंभव है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा 12 मिलियन सब्सक्राइबर हो। इतनी संपत्ति भुवन बाम, आशीष चंचलानी या फिर कैरी मिनाटी के पास भी नहीं है। आप लोग जो भी सोच रहे हैं, मगर मैं इस फैन के बारे में सोच रहा हूँ। एल्विश बाम।